Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. नौगर पुलिस स्टेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्लभ प्रजाति के जानवर की तस्करी करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। नौगर पुलिस को खबर मिली थी कि दुर्लभ प्रजाति के जानवर की तस्करी होने वाली है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को मीरा भाईंदर के इंद्रलोक इलाके से गिरफ्तार कर लिया। जिस दुर्लभ प्रजाति के जानवर की तस्करी हो रही थी उसका नाम पेंगुलिन है, जिसे हिंदी में चींटी मार भी कहा जाता है। ये जानवर सिर्फ चींटी खाते हैं, इसलिए इनका नाम ऐसा है। यह जानवर दिन के दिन कम होते जा रहे हैं। शिकारी इनका शिकार करके इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बड़े रकम पर बेचते हैं। पुलिस के मुताबिक जो जानवर की खाल बरामद हुई है वो लगभग 24 से 26 लाख का है। इन सब मामले में पुलिस का क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। आरोपियों को अटक किया है, क्या है पूरा मामला? नौगर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में 18 जून को एक इन्फॉर्मेशन था कि खावली जो मैं पेंगुलिन रहता है, जो वाइल्ड लाइफ है एक्चुअली, उसका स्केल्स रहता है, उसको सेल करने का कुछ इन्फॉर्मेशन था। तो हमारे एसपी सर के डायरेक्शन में नौगर पुलिस स्टेशन के एपीआई थाटकर और पीआई भाल सिंह साहब, तो उन्होंने ट्रैप लगाया और ये सीज किया है। सर, ये क्या किस तरह के उपयोग में ज़्यादातर लाया जाता है? ये इसका यूजर्स होता है खास करके चाइनीज़ मार्केट में। एग्जांपल अभी राइनो का हॉर्न है, तो वैसे ही कुछ मेडिसिनल यूजर्स एफ्रोडिसियाक यूजर्स बोलते हैं, जो सेक्सुअल पोटेंसी वगैरह बूस्ट करता है, और कुछ मेडिसिनल यूजर्स कुछ बच्चे कुछ बीमारी से सफ़र करते हैं, कुछ रेयर डिसीजेस वगैरह रहता है, इसके लिए इसका पाउडर करके उसको बनाते हैं और यही यूज़ होता है इंटरनेशनल मार्केट में। सर, ये कहाँ पाया जाता है? ये फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसका हमने जस्ट आरोपी को पूछ रहे थे कि इन्होंने कहाँ से प्रोक्योर किया, वो बोल रहे थे कि रत्नागिरी से कुछ जंगल में है, कुछ एजेंट्स है उसके थ्रू इनको मिला और ये इधर से ट्रांसपोर्ट करने वाले थे। कहाँ भेजने वाले थे सर, इसको कहाँ लेके जाने वाले थे? ये अभी तक पता नहीं है कि इनका नेटवर्क में क्या है। अभी तक 3 आरोपी हमने पकड़ा है, सीआर नंबर 182/19 और 1GB संरक्षण अधिनियम, ये कलम में हमने आरोपी को अरेस्ट किया है। सर, आरोपी यहाँ के लोकल है कि रत्नागिरी के है? ये लोकल नहीं है, दूसरे गांव से है, मीरा भाईंदर के नहीं है, और ये रायगढ़ रत्नागिरी ऐसे कोंकण रीजन से ये बिलोंग करते हैं। सर, ये आरोपियों का ये पहला मैटर है या इससे पहले ये प्रोफेशनल लोग? अभी तक ऐसा इनका बैकग्राउंड अभी तक हमको आया नहीं है। हम अभी उसका उनका सभी का बैकग्राउंड चेक करके इनके ऊपर अभी दूसरा गुना दाखिल है कि नहीं हम कंफर्म कर रहे हैं। सर, महेंद्र में कहाँ से गिरफ्तार किया? महेंद्र में इंद्रलोक जो मैदान है उधर से हमने गिरफ्तार किया। कभी गिरफ्तार? कल सुबह हुआ है। तो भाईंदर में ये किसी के साथ इसके डील करने आए थे? ऐसा ही ट्रैप था, तो इन्फॉर्मेशन था, नौगर पुलिस स्टेशन के एपीआई थाटकर उनको इन्फॉर्मेशन आया था और उन्होंने कार्रवाई किया। इसकी सर मार्केट में क्या कीमत होगी जितना आपने जब्त किया है उनके पास से सामान? हाँ, ये टोटल 5 किलो के ऊपर है, 5 किलो 30 ग्राम वगैरह है। इसका टोटल 24 लाख का टोटल मुद्देमाल है। 24 लाख का, यहाँ काफ़ी कीमती है, लगभग 1 किलो का 4 से 5 लाख, 4 लाख वगैरह लगभग इंटरनेशनल मार्केट। तो सर, ऐसा भी कुछ मालूम पड़ा जिससे डील करने आए थे उसके बारे में भी कुछ ऐसा पुलिस को मालूम पड़ा कि वो आगे वाले कौन थे? आगे वाले तो ऐसे डमी जो ट्रैप था, हमको इधर कहाँ से प्रोक्योर किया, ये इसको कैसे एक्चुअली वो जो खावली मंजर बोलते हैं उसको मारते, उसके बाद ये सब स्केल्स वगैरह कट करते, वो प्रोसेस करते और लेके आते, तो उस जो आगे वाले लिंक है तो वो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। सर, जितना माल है आप कितने खावली मंजर की जान ली गई थी इसमें? इसमें एक खावली मंजर का ऐसा लगता है। सर, मोस्टली ये भारत के कौन से कोने से आता है और कहाँ से ये लगता है? शहर से ये आया था, रत्नागिरी से आया था, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो फॉरेस्ट है उधर से लेके आए थे, वो कोई एजेंट का नाम सामने आ रहा है,
उधर उन्होंने प्रकट करके इनको दिया था, ये ट्रांसपोर्ट करके आगे भेजने वाले थे। थैंक यू सर।